वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एसएससी सीजीएल का रिजल्ट मेरा आ चुका है, तो कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आपका रिजल्ट क्या रहा इस वाले में, तो इस बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। यह सस्पेंस आपको थोड़ी देर में क्लियर मैं कर दूंगा, ठीक है। ये जो वीडियो है मैं बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ, लगभग 40-45 दिन हो गए मुझे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि मैं कुछ ये एग्जाम के रिलेटेड ही कुछ प्रोसेस होते हैं उनमें फंसा हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको एक मोटिवेशन भी देने का काम करूंगा कि मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ये जो दिया है वो उसमें मेरा क्या आया है, उसमें थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे मार्क्स क्या रहे थे इस वाले सीजीएल के फाइनल रिजल्ट में, और मेरे रैंक क्या रहे, और मुझे कौन सी पोस्ट मिली है या फिर नहीं मिली है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको प्री के टाइम में भी अपना आंसर जो आया था मेरा रिजल्ट में, यानी कि जो मेरे मार्क्स आए थे वो मैंने आपको बताया था, और जो मेरे जो प्री में आंसर किया आता है, यानी कि शुरू में जो आंसर किया आता है, उसमें मेरे जो मार्क्स बन रहे थे वो 312 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट के जो फाइनल आंसर किए आए थे उसमें मार्क्स बहुत सारे के घटे हैं बढ़े हैं, तो मेरा जो फाइनल है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरा जो दोस्तों फाइनल आंसर किया आया है उसमें देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो प्री था उसमें 156 मार्क्स थे, ठीक है। और जो मेरा मेंस में रिजल्ट आना है, मेंस में जो मेरा रिजल्ट आया है इसमें भी मेरे 312 मार्क्स ही बने हैं, और पहले भी मेरे 312 मार्क्स ही थे। मैथ में मेरे मार्क्स सेम रहे हैं और इंग्लिश में मेरे मार्क्स सेम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हुआ क्या है, मैथ में मेरे 65 थे और पहले रीजनिंग में मेरा 86 था, जो कि अब वह 82 हो गया, यानी कि 4 मार्क्स यहाँ पे घट गए हैं। और जो मेरा ये है इंग्लिश में मेरे 127 मार्क्स हैं, और जीके में मेरे पहले 34 मार्क्स थे तो 4 मार्क्स बढ़ गए हैं, यानी कि 38 हो गए हैं। तो मेरा ओवरऑल डिफरेंस यही हुआ है कि एक में मेरे क्वेश्चन में 4 मार्क्स बढ़े हैं और एक में घट गए हैं, तो मेरा ओवरऑल पहले इतना ही रहा, यानी कि 312 नंबर ही पहले भी थे और अभी भी है, ठीक है। और मेरे जो डिस्क्रिप्टिव में टाइपिंग मिस्टेक होता है 0.54 था, और कंप्यूटर मेरा 42 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मेरे मार्क्स, जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि 312 मेरे मार्क्स थे, ठीक है। और मेरी जो रैंक इस बार बनी है वह बनी है 2502, और मुझे जो पोस्ट मिला है वह मिला है दोस्तों जीएसटी इंस्पेक्टर का, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये मैंने जो आपको बताई ये आपको पसंद आई होगी वीडियो, यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब से वीडियो जो भी होगी वो रेगुलर आप सभी को देखने को मिलेगा, और फ्रीक्वेंट वीडियो जाएंगी, बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाएगा, तो आपके लिए चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्यूचर में, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन मैं अपने खुद को दे देता हूं कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। जो लोगों को इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं मिल पाई है उनके फ्यूचर के लिए कुछ मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि जो हमारा सीजीएल का एग्जाम होता है उसमें अगर आपको भी जीएसटी इंस्पेक्टर का ही मिले तो उसका प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले पीटी का एग्जाम होता है, ठीक है। पीटी के बाद आप क्लियर करेंगे, कट ऑफ आती है, कट ऑफ क्लियर होने के बाद मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का एग्जाम हो जाने के बाद आपसे पोस्ट प्रिफरेंस मांगा जाता है कि कौन सा पोस्ट आप प्रिफरेंस देना चाहते हैं। तो पोस्ट प्रिफरेंस के बाद मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला था। जीएसटी इंस्पेक्टर के बाद आपको जोन प्रिफरेंस का भी फॉर्म आ जाता है, तो मैंने जोन प्रिफरेंस फॉर्म भर दिया। उसके बाद मेरा डीवी फिजिकल और मेडिकल भी हो चुका है, और मेरे जो जोन प्रिफरेंस मैंने भरे थे उसमें मुझे हैदराबाद मिला है, और हैदराबाद वाले जोन ने भी अपना जोन एलोकेशन भरा लिया है, और अब जो बचेगा अब कुछ ही दिनों में मेरी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो कंप्लीट जो भी प्रोसेस हुआ है, डीवी कैसे हुआ है, फिजिकल कैसे हुआ है, मेडिकल कैसे हुआ है, नेक्स्ट वीडियोज में आपसे बात करेंगे, और भी जितने भी हमारे स्टडी मटेरियल है ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके लिए आपको करना ये है कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं, जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करूं। मैं ये भी सोच रहा हूं कि अब हर संडे को एक मैं आप सभी का जूम मीटिंग लूंगा, या फिर गूगल मीट पे ऑनलाइन मीटिंग में सभी का, जो हमारे भाई लोग हैं
उनके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आई होप कि आप भी अगली बार सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे मुझे। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।